हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 17 है और 16 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए चार ऑप्शन, इसमें तीन ऑप्शन क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे। एक ही जैसे मीन्स किसी एक के साथ अगर रिलेशन अगर है तो किसी एक के जैसे ही हमारा रिलेशन होगा, बाकी एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट आपको चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला नंबर आपको दिया हुआ है 196, दूसरा दिया हुआ है 121, देन 256 और यहाँ दिया हुआ है 252। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इस तरह के जब चार नंबर दे दें तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये देखोगे कि ये स्क्वायर नंबर है ना क्यूब नंबर है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये स्क्वायर नंबर है। कितने का स्क्वायर नंबर आपको पता होगा, ये 14 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 121, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। कितने का है, 11 स्क्वायर है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं 256, तो ये भी एक 256 स्क्वायर है। कितने का होगा, ये होगा 16 का स्क्वायर। बट 252 ये स्क्वायर नंबर नहीं है, है ना। तो यहाँ देखोगे ये स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर, यानी अब ये तीनों एक जैसे ही हैं, तीनों क्या स्क्वायर नंबर है। तो चौथा वाला आपका जो दिख रहा ऑप्शन 252, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये अब देखोगे ये तीन अब मिल गए, यानी स्क्वायर नंबर कहलाएंगे, बट ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यही होगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। यानी अब यहाँ जोड़ी दिया हुआ है CDHI। अब ये CD और HI ये कैसे आ रहा है यहाँ जो दिया हुआ है, अब इनके साथ जो रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन ऑप्शन से हमें फाइंड करना है, एक ही जैसे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं, ये जो CD है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ CD, देन उसके बाद है आपका HI। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि ये CD और HI में क्या रिलेशन है, कैसे आ रहा है। तो ये CD कंटिन्यू है, C देन D, HI ये भी कंटिन्यू है। तो अब यहाँ कंटिन्यू है तो देखोगे ऑप्शंस में ये कंटिन्यू कहाँ है, यहाँ देखोगे AB, XY, PQ, UB, IJ, MN, KL, NO सारे कंटिन्यू हैं। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अब ये फाइंड करेंगे D से H तक का गैपिंग हमें फाइंड करना होगा। तो D का पोजीशन 4, H का पोजीशन 8, तो 8 माइनस आप 4 करोगे तो ये कितने का होगा, 4 का होगा। यानी D से आप 4 काउंट करोगे तो H मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का गैपिंग देखते हैं, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग ये हो गया 2, ये हो गया 24, 24 से 2 माइनस करोगे तो ये हो गया 22। तो ये तो ऑप्शन गया, इसको चेक करते हैं Q। अब U हमें काउंट करना है, तो RSTU ये चार का गैपिंग है ना। तो ये तो सेटिंग हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करोगे नहीं होगा, J के बाद आप M काउंट करोगे, KLM यानी तीन का होगा, और ये L के बाद N काउंट करोगे, LMN यानी दो का होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको आंसर ऑलरेडी मिल गया ऑप्शन नंबर B। तो ये सारे क्वेश्चंस SSC GD में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, और अभी SSC GD का एग्जाम चल रहा है और इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये एक श्रृंखला दिया हुआ है ना। अब इसमें अब ऐसा कोई एक नंबर होगा जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी एक ही रूल से बाकी नंबर हमारे जो भी है, एक कंटिन्यू जो नंबर है ये एक ही नंबर, एक ही प्रोसेस से फॉलो होगा, बाकी एक ही नंबर ऐसा होगा जो फॉलो नहीं होगा, और वही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ ऑप्शन चार ऑप्शन दिए, 28, 344, 513 एंड देन 64। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये 29, 28, 64, 126, 217, 344, 513 ये आया कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे ये नंबर देखने के साथ साथ आपको माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो है अब ये 2, 9, 28, अब इन तीनों नंबर को देख के आप बोल सकते हो कि ये क्यूब नंबर के आसपास है ना। जैसे 1 का क्यूब आप करोगे तो 1 का क्यूब 1,
देन प्लस वन अगर करते हैं तो ये मिला क्या आपको टू। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ है नाइन। अब नाइन कितने का क्यूब के आसपास है, टू का क्यूब करोगे तो ये मिला आपको एट, देन प्लस वन यानी हो गया आपका नाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको देखते हैं 28, ये भी आपका 3 का क्यूब आप लोगे तो ये हो गया 27, देन प्लस 1 करोगे तो ये मिलेगा आपको 28, है ना। यानी 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, देन 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, बट 4 का क्यूब प्लस 1 आप अगर करोगे तो ये हो गया 4 का क्यूब हो गया 64, देन प्लस 1 करोगे तो 65 होना चाहिए था, बट यहाँ है क्या 64, तो ये नहीं होना चाहिए था, यानी ये गलत है, तो ये आंसर होगा आपका, है ना। अब यहाँ चेक करोगे नेक्स्ट 126, तो यहाँ 126 5 का क्यूब आप लोगे 125, देन प्लस 1 126। 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी 6 का क्यूब आप करोगे और प्लस 1 करोगे तो 216 प्लस 1 यानी मिला आपको 217। ठीक है, नेक्स्ट इसको चेक करोगे ये 7 का क्यूब होगा प्लस 1, 7 क्यूब हो गया 343, देन प्लस 1 344, और ये 8 के क्यूब के प्लस 1 है, यानी 8 का क्यूब होता आपका 512, देन प्लस 1 करोगे तो 513। बट आपको इतना फाइंड नहीं करना, आप आंसर को आप निकाल लिए, आप आंसर को क्लिक करके आप आगे निकल जाओगे, बट मैंने यहाँ पे टोटली मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये देखना है कि ये क्यूब नंबर के आसपास है या ये फिर स्क्वायर नंबर के आसपास है, प्लस 1 हो रहा है या माइनस 1 हो रहा है या फिर प्लस 2 प्लस 3 जो भी हो, आप वहाँ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 64। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, यदि d बराबर 4 है और g बराबर 7 तो गार्डन बराबर ये क्या होगा। ठीक है, GARDEN, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हम ये फाइंड करेंगे कि GAR, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है आपको GARDEN, ये बराबर क्या होगा, है ना। तो ये जो दिया हुआ है d इक्वल टू 4, यानी क्या दिया हुआ है, ये D का पोजीशन दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से जब हम लोग काउंट करते हैं, ABCD हम लोग काउंट करते हैं ABCD चार नंबर पे, है ना, उसी तरह से EFG यानी 7 नंबर पे। तो ये G का प्लेस वैल्यू क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गया आपका 7। ठीक है, देन उसके बाद A को फाइंड करेंगे, A का प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर करेंगे तो ये हो गया 1। देन R को फाइंड करते हैं, तो R का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 18। देन D कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, और ये हो गया E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, और N कितने नंबर पे, ये हो गया आपका 14 नंबर पे। ठीक है, तो अब यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं 47, 50, 40 एंड देन 49। तो इन जो है ये 6 नंबर जो है 7, 1, 18, 4, 5 एंड देन 14, इन सभी को क्या करेंगे हम लोग प्लस करके चेक करते हैं। ठीक है, तो 7, 1 ये हो गया 8, 8 में 18 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 26, में 4 को ऐड करेंगे तो 30, 35, और ये हो गया 14 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 49, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आए तो आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ देखोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन दिया हुआ है या फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पोजीशन दिया हुआ है, जो भी पोजीशन दिया हुआ है जिसे आप वर्ड को फाइंड करना है उसके लेटर्स को उसी तरह से आप काउंट करके लिखोगे और ऐड कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें, यानी ये आपको क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है ये आपको फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले अब ये जो श्रृंखला दिया हुआ है 1, 3 देन 5, 11, 21, 43, 85, 171, ये अब 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है, 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखोगे अब 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 3, अब ये कैसे आया, अगर हम लोग गैपिंग देखें तो सबसे पहले अगर माइनस करते हैं तो इन दोनों का गैपिंग 2 है, देन अगेन 2, देन अगेन यहाँ हो गया हमारा 6, फिर बढ़ रहा है। तो अब जब ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देखोगे यहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जब नंबर जब ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे तब वो क्या होता है, मल्टीपल सीरीज़ होता है, याद रखोगे आप।
तो यहाँ देखोगे वन के बाद टू, तो वन को अगर हम टू से इंटू करें, टू वन जा टू एंड देन प्लस वन अगर करें तो ये आपको मिलेगा थ्री, है ना। तो नेक्स्ट थ्री से फाइव कैसे लाएंगे, अब ये देखोगे थ्री को अगर टू से ही इंटू करते हैं, थ्री टू जा सिक्स, बट लाना क्या है आपको फाइव, तो माइनस वन करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया आएगा आपका फाइव। अब यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट फाइव को अगर हम टू से इंटू करके, तो फाइव टू जा टेन, लाना क्या है अलेवन यानी प्लस वन। तो शायद आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई टू से हो रहा है और एक बार प्लस वन देन माइनस वन देन प्लस वन फिर माइनस वन, चेक करोगे आप एलेवन को, ये हो गया प्लस वन माइनस वन प्लस वन देन माइनस वन। अब एलेवन टू जा ट्वेंटी टू देन माइनस वन, है ना। अब यहाँ देखो प्लस वन हुआ, ये माइनस वन हुआ, देन अगेन प्लस वन हुआ, देन अगेन माइनस वन होगा, तो आंसर होगा आपका 171 इंटू टू देन माइनस वन। इतना आपको फाइंड नहीं करना है सभी को, बस आपको प्रोसेस अगर पता चल गया तो आप चेक कर लोगे इस तरह से प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, लास्ट वाला को देख लोगे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसके बाद अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो हम लोग माइनस वन करके आंसर को ला देंगे आसानी से। तो ये कितना होगा, ये टू और ये हो गया 17, टू जा 34 माइनस वन, तो ये हो गया 34 ये वन, यानी 341 आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए तो आपको करना क्या है, आप देखोगे ये मल्टीपल सीरीज है तो ये टू से मल्टीप्लाई हुआ देन प्लस वन हुआ, उसके बाद टू से मल्टीप्लाई होकर माइनस वन हो रहा है, तो लास्ट वाला को आप टू से मल्टीप्लाई ही करोगे, बट यहाँ पे आप चेक कर लेना यहाँ प्लस वन माइनस वन इस तरह से कंटिन्यू, यहाँ लास्ट में माइनस वन हुआ, डायरेक्ट इन टू से इंटू करके माइनस वन कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ दिए हुए एक दो तीन चार, ये पाँच आकृति दिए हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ दिया हुआ एक सर्कल है यानी वृत्त, उसके बाद वृत्त के अंदर एक त्रिभुज यानी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, उसके बाद एक खाली ट्रायंगल है, अब उसके बाद ट्रायंगल के अंदर यहाँ रेक्टेंगल है, यानी अब नेक्स्ट जो है अब ये क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक रेक्टेंगल है, अब यहाँ क्या होगा ये आपसे फाइंड करना पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये एक जो सर्कल है, सर्कल के बाद नेक्स्ट वाला जो आकृति है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल को उन्होंने डाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ये एक सिंगल है, यानी ऐसे देखोगे ये एक सिंगल, एक छोड़ के फिर एक सिंगल, फिर एक छोड़ के एक सिंगल, तो फिर यहाँ तो सिंगल नहीं होगा, यहाँ एक बन के नेक्स्ट वाला सिंगल होगा, बट आपको ये वाला फाइंड करने पूछ रहा है, तो ये सिंगल आकृति नहीं होगा, ऑप्शन में भी कोई सिंगल आपको नहीं दिख रहा है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, अब ये एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल को डाल दिया उन्होंने, नेक्स्ट क्या है ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगल, यहाँ वाला जो शेप था उसे यहाँ डाल दिया, है ना। तो नेक्स्ट वाला हमारा शेप क्या होगा ये आप कैसे पता लगाओगे, तो यहाँ देखोगे एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो त्रिभुज के बाद नेक्स्ट वाला अंदर जो आया ये कितने साइड से बने हुए हैं, एक दो तीन, यानी तीन साइड से बना हुआ था ये, है ना, तभी तो ये त्रिभुज कहलाया। तो यहाँ पे कितना साइड है, ये टोटल चार साइड है, यानी यहाँ तीन था तो नेक्स्ट में क्या हो गया चार, तो यहाँ चार है तो नेक्स्ट में क्या होगा पाँच, यानी पंचभुज यानी पेंटागन जिसको बोलेंगे हम लोग, तो यानी क्या होगा अब आंसर क्या होगा फिर, अब ये रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा एक पेंटागन होगा, ये होगा आंसर। तो रेक्टेंगल सबसे पहले देखेंगे ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये पेंटागन के अंदर ट्रायंगल नहीं होगा, हाँ ये देखोगे ये एक रेक्टेंगल शेप है और यहाँ एक दिया हुआ है पेंटागन, ये वन टू थ्री फोर फाइव, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी चेक कर लो, ये एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये नहीं होगा, ये रेक्टेंगल के अंदर सर्कल ये तो होने का चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।